हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरु जनमथरिया। आज हम कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे। कहानी में जितनी भी वर्ड्स हैं उनके एक एक वर्ड का आपको मीन बताया जाएगा, जिससे कि आपके लिए इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है इन द गार्डन, बगीचे में। ममा वॉज इन द गार्डन। ममा जो है गार्डन में थी, वॉज थी, इन द गार्डन बगीचे में थी। ओके, तो वॉट, क्या, आर यू डूइंग, तो आप क्या कर रही हो। जॉनी आस्क्ड, जॉनी जो है उसका बेटा है, उसने पूछा कि आप क्या कर रही हो। तो रिप्लाई दी थी सी सेड, वो कहती है सी वॉज प्लांटिंग रोजेज, वो जो है रोजेज के प्लांट जो है वो लगा रहे हैं। प्लांटिंग मतलब पेड़ लगाना, ठीक है, तो रोजेज के पेड़ लगा रही वो। रोजेज आर फ्लावर्स, वो आगे बताती है कि रोजेज जो है वो फ्लावर्स होते हैं, फूल जिसे बोला जाता है। तो रोजेज जो होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं, दे आर वेरी प्रीटी, वे बहुत सुंदर होते हैं। प्रीटी मीन्स सुंदर, वेरी मतलब बहुत, ठीक है, दे मतलब वो, दे आर वेरी प्रीटी, दे आर यूजुअली रेड, वो जनरली रेड होते हैं, ठीक है, यूजुअली रेड। रोजेज हैव थॉर्न्स, थॉर्न्स तो रोजेज जो होते हैं उनमें थॉर्न्स पाए जाते हैं। रोजेज का मतलब इन दी सेंस रोज में नहीं होता, लेकिन जो इसकी स्टिक होती है उसमें थॉर्न्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो उनके बारे में बताती है, रोजेज के बारे में, कि प्लांटिंग कर रही है रोजेज की। तो रोज क्या होते हैं, तो बोलते हैं कि रोज आर फ्लावर्स, ओके, दे आर प्रीटी गुड, यूजुअली रेड, और रोजेज हैव थॉर्न्स। हिज मम्मा सेड, उसकी माँ कहती है थॉर्न्स विल स्टिक यू, तो थॉर्न्स जो है वो आपको चुभ सकते हैं, ठीक है, थॉर्न्स विल स्टिक यू, ठीक है, आपको चोट लग सकती है थॉर्न से, तो कांटों से जो है वो बचकर रहना चाहिए। बी केयरफुल अराउंड थॉर्न्स, ठीक है, बी केयरफुल मतलब सावधानी से रहना है, अराउंड थॉर्न मतलब जो कांटे हैं उनके आसपास आपको सावधानी से रहना है, वरना वो आपको चुभ सकते हैं, आपको चोट लग सकती है उनसे। जॉनी वेंट टू द फ्रंट यार्ड, जॉनी जो फ्रंट यार्ड की तरफ जाता है, वेंट मतलब जाता है, ठीक है, या गया आगे की तरफ। हिज डॉग रैक्स, उसके डॉग का नाम है रैक्स, वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसका डॉग जो है वो रैक्स उसका वेट कर रहा था कि ये कब आए मेरे पास। जॉनी पिक्ड अप स्टिक, जॉनी एक स्टिक ले लेता है, ओके, एंड थ्रो इट, और उसे उसकी तरफ फेंकता है। रैक्स चेस्ड द स्टिक, रैक्स जो होता है, जो उसका डॉगी है, वो उस स्टिक को चेज करता है, चेज का मतलब उसका पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए, ठीक है। ही वॉट द स्टिक बैक, वो उसकी स्टिक को वापस ले आता है, स्टिक बैक ले आता है, ब्रॉड मतलब ले आना, ठीक है, स्टिक बैक एक साथ यूज़ होगा, ही वह ब्रॉड द स्टिक बैक, तो ब्रॉड द स्टिक बैक का मतलब है कि वो इस स्टिक को वापस ले आ जाता है। जॉनी रैन अराउंड द हाउस, जॉनी जो है वो हाउस के चारों तरफ भागता है। रैक्स चेस्ट, रैक्स जो है जो उसका डॉगी है वो उसे चेज करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जॉनी रेन थ्रू द गार्डन, जॉनी पूरे गार्डन में घूमता है, पूरे गार्डन में चक्कर लगाता है। रैक्स रेन थ्रू द गार्डन, तो रैक्स भी उसके पीछे चेज करता है, तो वो भी पूरे गार्डन में चक्कर लगाता है। मॉम येल्ड एट जॉनी, येल्ड मतलब होता है चिल्लाना, तो मॉम जो होती है उसके ऊपर चिल्लाती है, जॉनी के ऊपर एंड रैक्स के ऊपर, कि यहाँ मत खेलो। सी टोल्ड देम टू प्ले समवेयर एल्स, मतलब कहीं और जाकर खेलो लेकिन यहाँ मत खेलो। सी टोल्ड देम टू स्टे आउट ऑफ द गार्डन, वो उनसे कहती है कि गार्डन से दूर रहो, स्टे आउट मतलब दूर रहो, गार्डन से, बगीचे से दूर रहो। जॉनी अपोलोजाइज, जॉनी माफ़ी मांगता है प्लीज मॉम, अपनी मॉम से, ठीक है, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। ही वेंट टू द गैरेज, ठीक है, वो गैरेज में जाता है एंड गॉट इज बाइक, और अपनी साइकिल जो है वो ले लेता है, अपनी बाइक जो है वो ले लेता है, ओके, साइकिल। ही वेंट फॉर ए बाइक राइड, तो वो जो है अपनी बाइक राइड पर जाता है, या अपने साइकिल की सवारी करने, या अपने उसे चलाने के लिए जाता है। रैक्स रेन नेक्स्ट टू द बाइक, तो रैक्स जो होता है वो भी बाइक के पास या फिर उसकी साइकिल के पास जो है भागता है, क्योंकि वो जो है लास्ट तक उसे चेस करने वाला होता है, ठीक है। तो आपकी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर किसी वर्ड से रिलेटेड कोई इश्यू है तो हमें सजेस्ट करें, आगे एक वीडियो हम ज़रूर सुधार करेंगे। थैंक यू।